हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपाचे आरटीआर 200 4V रेस एडिशन 2.0 का डिटेल रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसका सभी एक डिटेल का वीडियो देखने को मिलेगा, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं और क्या क्या इसमें आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी और क्या क्या बुराइयाँ मिलेंगी। और आपको इसका एक 160 वेरिएंट भी मिलता है 4V का, जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं डिफरेंट प्रोडक्ट के रिव्यू किया करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और आते रहते हैं मेरे पास, और मेरे को शौक है प्रोडक्ट ख़रीदने का, तो मैं उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू किया करूँगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं और प्लीज़ उसे भी इसी तरह सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को इधर ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ले। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके जवाब दे दूँगा। यूज़र आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। दोस्तों, अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप अलायंस TVS में विज़िट करें। यहाँ का नंबर और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप लुधियाना पंजाब के लोकल रहने वाले, आप प्लीज़ इन्हें तभी कॉल करें। दोस्तों, अगर हम इस बाइक के लुक्स की बात करें, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्रंट साइड से आपको कुछ इस तरह की इसकी लुक मिल जाएगी। इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिल जाएगा और आपको साथ में 2 LED DRLs मिलेंगी, आप देख पा रहे हैं। और साथ में आपको 2 नॉर्मल आप साइड इंडिकेटर्स भी इसमें नॉर्मल वाले मिलेंगे LED आप, और आपको इसमें एक ब्लैक कलर का वाइज़र मिल जाएगा कुछ इस तरह का दिखने में, आप देख सकते हैं इसका वाइज़र। और आप देख रहे हैं इसके मडगार्ड पे आपको TVS रेसिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपको इसमें ट्यूबलेस टायर इसके कुछ इस तरह के देखने। अब इसके लेफ्ट साइड से लुकिंग दिखा देते किस तरह का आपको मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइड से आपको कुछ इस तरह के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। अभी हमारे पास ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन वाला बाइक है, दूर से आप देख रहे हैं क्या लगता है लेफ्ट साइड से। पास जाने पर आपको इसके टैंक पर RTR मिल जाएगा। RTR की फुल फॉर्म है रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो TVS अपने इंजन में यूज़ करती है अपने एक्सेलरेशन के रिस्पॉन्स को बढ़ाने के। अगर हम इसके टैंक को पास से देखें तो आपको एक हॉर्स का 3D लोगो मिल जाएगा। इंजन की लुकिंग की बात करें, आपको ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग में ये मिल, नीचे एक आपको मडगार्ड इंजन गार्ड मिल जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, जिस पे आपको रेड कलर की कुछ ग्रे और ARTस्लीपर क्लच लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इस बाइक में हमारे को स्लीपर क्लच की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। आप गियर शिफ्ट करेंगे कोई अगर फर्स्ट सेकंड गियर में, तो आपको इंजन को झटकाने लगेगा। ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ की जाती है। आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर अपाचे की ब्रांडिंग के साथ में राइडर के नीचे देख जाता है। आपको हम थोड़ा पास से दिखा देते हैं, और आप देख रहे हैं दूर से आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। पिलियन की सीट के नीचे RTR 200 4V का ब्रांडिंग मिल जाएगा, और आपको एक साड़ी गार्ड मिल जाएगा लेडीज़ की सेफ्टी के लिए कि आप देख रहे हैं। और आपको इसके फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको सीट मिलेगी, डुअल सीट आपको मिल जाएगी जो स्पोर्ट्स बाइक खासकर मिलती है। दोनों ही आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलेगी सीट की क्वालिटी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है लॉन्ग राइड्स में भी। बाइक की अगर हम बैक साइड से लुकिंग की बात करें, वो भी काफ़ी अग्रेसिव लुकिंग दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको इसमें डुअल पिलियन ग्रैबरिल बैक में, और आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, देख रहे हैं जैसे कि इस तरह की। और आपको नीचे एक लाइट रिफ्लेक्टर मिलेगा, और आपको नॉर्मल इसके इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बैक में आप देख रहे हैं इसका मडगार्ड कुछ आपका इस तरह का देखने को। दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं इसकी राइट साइड से लुकिंग। राइट साइड से अगर हम इसकी लुकिंग की बात करें, काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग आपको मिल जाती है राइट साइड से भी। आपको लगभग सेम सब कुछ मिलेगा, फ्रेंड्स मिल जाएगा। राइट साइड में आपको एक एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में एक साड़ी गार्ड। एग्जॉस्ट की अगर आप सकते किस तरह का आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा। सेम वही आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं RTR 200 4V, और आपको अपाचे का लोगो भी इधर सेम मिल रहा है। इंजन की आप लुकिंग देख सकते हैं आपको किस तरह का मिल जाता है। आपको इस एग्जॉस्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इंजन पे TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और आप देख रहे हैं आपको इधर कुछ इस तरह का
ब्रेकिंग मिल जाएगा कंसोल और आपको इसकी डिस्क इस तरह की देखने को मिल जाएगी। आपको राउंडेड शेप में डिस्क मिल रही है, बीच कट्स मिल जाएंगे डिस्क में, जो इसके टीवीएस के मैंने ज़्यादातर बाइक्स में इसी तरह की डिस्क देखी। इस बाइक के आप टैंक की भी लुकिंग देख सकते हैं, टैंक पर आप वर्जन 2.0 लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ इस तरह का, और आपको साइड में इसका फ्यूल टैंक फिलर मिल जाएगा। देख रहे हैं आप इसके, आप अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, फुली डिजिटल आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल। ऑप्शंस की बात करें, इसमें आपको ऑप्शंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और स्विचेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सारे स्विचेस आपको मिल जाएंगे। और स्विचेस की क्वालिटी की बात, वो भी काफ़ी क्वालिटी के आपको स्विचेस मिल जाएंगे। इसके आप हैंडल बार की भी लुकिंग देख सकते हैं, आपको ये किस तरह का हैंडल बार मिल। दोस्तों अब हम इस बाइक के इंजन के बारे में कुछ बातें कर। इस बाइक की अगर हम इंजन की बात करें, इसमें हमें 197.75 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। इस बाइक की में आपको सिंगल सिलेंडर मिलेगा, फोर स्ट्रोक ऐसे इंजन आपको मिलेगा। इसमें आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलेगी। बाइक अगर हम फ्यूल डिलीवरी की बात करें तो ये फ्री है, और इस बाइक में हमें 5 गियर्स मिल जाएंगे। इस बाइक के अगर हम थ्रोटल रिस्पांस की बात करें, काफ़ी बढ़िया थ्रोटल रिस्पांस है। इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड हमें 120 पर आवर की मिल जाएगी। अब हम दोस्तों आपको दिखा रहे हैं इस बाइक की ब्रेकिंग्स। इस बाइक की अगर फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें तो आपको इसमें सिंगल चैनल ABS विद डिस्क मिल जाएगी। इस बाइक की अगर हम फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें तो हमें 270 मिलीमीटर की डिस्क मिलेगी विद सिंगल चैनल ABS। और अगर इस बाइक के रेयर ब्रेकिंग की बात करें तो उसमें वो हमें नॉर्मल डिस्क मिल जाती है 240 मिलीमीटर की। अगर दोनों की अगर हम लुकिंग की बात करें, ब्रेकिंग की, देखने में काफ़ी इसकी डिस्क स्टाइलिश लगती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सस्पेंशन की अगर बात करें, इस बाइक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे। रेयर सस्पेंशन की बात करें तो आपको मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें टेलीस्कोपिक फोर्क्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के टायर साइज़ की। टायर साइज़ की बात करें, दोनों ही आपको 17 इंचेस के टायर्स मिल जाएंगे। फ्रंट वाला आपको 90x90 का मिलेगा और रेयर वाला आपको 130x70 का। दोनों ही आपको ट्यूबलेस प्लस अलॉय व्हील साथ मिलेंगे। दोस्तों इस बाइक की अगर हम वेट की बात करें तो इस बाइक का हमें वेट मिल जाता है 149 kg, और इस बाइक में हमें 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 1,33,435 रुपीस है, ऑन रोड प्राइस इन लुधियाना पंजाब। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो अगर आप लुधियाना पंजाब में रहते हैं तो आप अलायंस TVS में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफ़र मिल जाएंगे TVS की बाइक्स पर, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों अब इस बाइक के अगर हम कलर्स की बात करें तो आपको ये 5 कलर्स में मिल जाएगी, वाइट, मैलैक, रेड, ग्रे एंड ब्लैक। दोस्तों आज का ये रिव्यू आपको किस तरह का लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, यूज़र आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। दोस्तों अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप अलायंस TVS में विज़िट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। और दोस्तों आप मेरे आप न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू किया करूँगा। उसे ही उस चैनल को भी आप इसी तरह सपोर्ट करें। अब इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।